मुस्कुराहट वो हीरा है, बिना खरीदे आप पहन सकते हैं। और जब तक आपके पास यह हीरा है तो और आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वेलकम माई चैनल माई लवली स्मार्ट गार्डन। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और अभी बहुत कोहरा पड़ रहा है, तो आज हम जानेंगे पौधों के लिए कौन सी खाद का चुनाव करें, कौन से उर्वरक तत्व होने चाहिए वो पौधे में आप डालेंगे। तो हमें कैसे पता करनी है कि हम ये खाद हमारे लिए पौधों के लिए सबसे अच्छी है, तो हमें पौधों की खाद के लिए चुनने के लिए कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि आप एक खाद आती है एनपीके, उसका अनुपात हमें चेक करना चाहिए। एनपीके, एन के मतलब होता है नाइट्रोजन और पी के मतलब होता है फास्फोरस और के मतलब होता है पोटास। अगर इसमें एनपीके 12-12 लिखा है तो यानी कि नाइट्रोजन भी 12% है और फास्फोरस भी 12% है और पोटास भी 12% है। नाइट्रोजन जो होता है एनपीके खाद में पत्तियों को हरा करता है और फास्फोरस जो है वो सुपर फास्ट खाद है जो फूल पत्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और पोटाश जो होता है वो रोगों की लड़ने की क्षमता पौधों में बढ़ाता है। तो एनपीके खाद आप डाल सकते हैं, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। आप हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। ये अगर मिट्टी हमारी अम्लीय है और उसमें उर्वरक शक्ति थोड़ा कम है तो आप कोई भी खाद आप डाल सकते हैं उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और अगर अम्ली नहीं है तो आप उसमें उर्वरक वाली खाद आप डाल सकते हैं जिनमें पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि गुण मिले हों, तो वही वाली आप खाद डाल सकते हैं। पौधों की ग्रोथ के अनुसार आप खाद को चुनें। जिस प्रकार जैसे टमाटर होता है, वो टमाटर या पत्तियों वाली सब्जियों की खाद है, पौधे होते हैं तो इनके लिए हमें कम शक्ति वाली खाद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे फूल वालों हैं तो उनमें हमें गुलाब वगैरह है तो उनमें हमें शक्तिशाली खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसमें जो पत्तियों वाली सब्जी है उस पर एनपीके वाला खाद डाल सकते हैं और जो फूल वाला है तो उसमें जैविक खाद, पोटास खाद, सरसों खली, गोबर आदि आप डाल सकते हैं। तो खाद डालने के लिए आप पौधे की ग्रोथ के अनुसार आप खाद को चुनें। ऐसी हमें खाद देनी चाहिए जो पोषक तत्व देने वाले हों, मतलब हमें बहुत ही जल्दी पोषक तत्व हमें मिल जाए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवेट फर्टिलाइज़र आदि आप डाल सकते हैं। और जैसे पोटास के लिए आप लिक्विड खाद में आप उसमें प्याज के छिक्कल वाली भी डाल सकते हैं और सब्जी के छिक्कल हैं उनको भी रात भर भिगो के आप रख दीजिए 24 घंटे के लिए, उसका भी पानी छान कर आप दे सकते हैं फूल वाले पौधों में। और जो धीमी गति से पोषक तत्व देने वाले उर्वरकों का भी प्रयोग करें, जिस तरीके से गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और इस तरीके से खादें हैं जो मिट्टी में धीरे धीरे उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से हमें ये वाली भी खाद अपने पौधों में डालनी चाहिए। और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली भी खाद हमें प्रयोग करनी चाहिए पौधों के लिए, वो भी अच्छी होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व वाली खाद जैसे एनपीके है, वर्मी कंपोस्ट है और कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट में जिंक, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि खाद मिलती है। तो इस तरीके से हम अपने खादों का चुनाव कर सकते हैं। सब्जियों के लिए भी खाद अच्छी है, तो उसमें एनपीके खाद बहुत अच्छी है, उसमें नाइट्रोजन की
नाइट्रोजन होता है पत्तियों को हरा भरा करने के लिए आप एनपीके खाद दे सकते हैं, संतुलित मात्रा में एनपीके आप दे सकते हैं। अब फूलों के लिए आप फास्फोरस सुपरफास्ट खाद है तो आप उसमें दे सकते हैं। फूलों के लिए, फल के लिए ज़्यादा फूल आएंगे तो फास्फोरस युक्त आप इसमें खाद डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ और रॉक फास्फोरस हुआ, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पौधों को ध्यान में रखते हुए आप सही खाद का चुनाव करें जो पौधों की ग्रोथ को अच्छा करें, हेल्दी बनाएं। और फूलों के हिसाब से भी आप पौधों में खाद डाल सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपना गार्डन का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।